डाला है। आप चाहो तो प्याज हटा भी सकते हो, नहीं भी दे सकते, स्किप कर सकते हो प्याज को, पर मैं सोची मैं आज प्याज डाल के बनाऊंगी। मैं अक्सर बिना प्याज का ही बनाती थी, मिर्ची का, ग्रीन मिर्ची का तड़का लगा के। मैंने तेज फ्लेम पे थोड़ी देर इनको भूना, पानी सब जब सूख गए फिर मैंने इसमें हल्दी नमक डाला है, फिर मैंने लो फ्लेम करके भुजिया बनाया है। बहुत अच्छा लगता है गरम गरम चावल के साथ खाने में। थैंक यू। कोशिश करती हूँ डेली बना के डालूँ पर नहीं हो पाता है, टाइम मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, काम भी बहुत हो जाते हैं। और बताइए आप लोग,
मैं क्या बोलूँ, आप लोग बताइएगा मेरी वीडियो कैसी लगती है। प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आप लोग सब्सक्राइब करते हो, शेयर करते हो, लाइक करते हो ना, तो मुझे हिम्मत मिलती है। मुझे लगता है नहीं, चलो लोग देख रहे हैं, उनको अच्छा लगता है मेरी ब्लॉगिंग, तो फिर मुझे बनाने में मन लगता है, बनाने का मन करता है। उसके बाद मैं झाड़ू पोछा करके, फिर मैं नहा के पूजा करके घर में पूजा करूँगी। आज सोमवार, सावन का पहला सोमवार है, तो मैं सब कुछ झाड़ू पोछा बर्तन करके मैंने सोचा चलो सुबह सुबह मैं मंदिर हो आती हूँ। तो पहले मैं घर में पूजा कर रही हूँ, मैंने नहा लिया है, साड़ी पहन ली हूँ। साड़ी हमेशा नहीं पहनती हूँ मैं, कभी कभी पहनती हूँ, पर मैं जब पूजा करती हूँ ना, कुछ विशेष पूजा करती हूँ तो, या कोई पर्व त्यौहार होता है तो मैं कोशिश करती हूँ साड़ी पहनूँ। मैं साड़ी पहन के मैं आ गई हूँ मंदिर में पूजा करने के लिए अपने घर में। पहले मैं घर में पूजा करूँगी, फिर मैं जाऊँगी मंदिर। मैं आपको वहाँ का भी वीडियो बना के लाई थी, मैं वो भी आपको दिखाती हूँ अभी आगे। सावन में मंदिर ज़रूर जाना चाहिए पूजा करने के लिए। अगर आपसे डेली ना हो पाए तो कोशिश करो सोमवार सोमवार को आप चले जाओ। सबको जाना चाहिए, मंदिर में बहुत भीड़ होती है सोमवार के दिन, और 12 बजे से पहले कोशिश करना चाहिए जो पूजा कर लेना चाहिए। घर में हो, घर में भी और मंदिर में भी जाकर 12 बजे से पहले मैं कोशिश करती हूँ मैं पूजा कर लूँ, मैं सारा काम जल्दी निपटा लूँ। और मैं अपने इष्ट देव का जाप करती हूँ, मैंने गुरु मंत्र ले रखा है। आप लोगों को, आप लोगों में से बहुत लोगों को नहीं पता होगा गुरु मंत्र क्या होता है, लेकिन बहुत लोगों को पता होगा। तो मैंने गुरु मंत्र ले रखा है, तो मुझे डेली जाप करना होता है, मैं जाप करती हूँ, पूजा करके मैं जाप करती हूँ, गौरी पूजती हूँ। आप लोग कैसे पूजा करते हैं प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट में, मैं वेट करूँगी आप लोगों का। और फिर मुझे बच्चों को भी लेने जाना था, इसलिए मैंने 1:30 बजे छुट्टी हो जाती है, तो मैं बोली चलो जल्दी मैं पूजा कर लूँ, फिर काम घर का ख़त्म हो रखा था, तो फिर स्कूल का टाइम हो जाएगा तो फिर मैं स्कूल जाऊँगी लेने के लिए। मैंने सोमवार का फास्ट भी रखा है, सोमवार का फास्ट तो बहुत लोग रखते हैं, इसलिए मैंने भी रखा है। मैं आरती कर रही हूँ, मेरी मंदिर में पूजा हो गई है। इसके बाद मैं तुलसी में जल दूंगी और उसके बाद मैं सूर्य देव को जल दूंगी। ये मेरे हस्बैंड पूजा कर रहे हैं, दोनों को जाना है मंदिर। बच्चे तो स्कूल में है, अगर बच्चों की छुट्टी होती है तो मैं बच्चों को भी लेके जाती हूँ मंदिर। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे। अब मैं मंदिर जा रही हूँ पूजा करने के लिए, मैं लिपस्टिक का वेट कर रही हूँ। मंदिर ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है, पर मैं रोज़ नहीं जा पाती हूँ, मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, टाइम मैच नहीं करेगा तो ये टाइम मैच नहीं करता है, क्योंकि मेड आती है तो फिर लेट हो जाता है। मेड थोड़ा लेट आती है, 9 बजे तक आती है, फिर वो 10 बजे तक जाती है, तो फिर नहाओ धो, घर में पूजा करो, घर का काम ख़त्म करो, फिर आप मंदिर जाओ, तो 12 बज जाते हैं, तो 12 बजे मंदिर जाने का मन नहीं करता है, इसलिए मैं नहीं जा पाती हूँ डेली। जिस दिन मुझे जाना होता है ना, मैं सवेरे सारा काम निपटा लेती हूँ, फिर मैं मंदिर चली जाती हूँ। मंदिर जाके मुझे फूल भी लेना है। अब मैं आ गई हूँ, अब मैं फूल वाले के पास नहीं गई हूँ फूल लेने के लिए। पूजा करने के लिए कुछ सामान चाहिए था, और मुझे गौरी माता को चढ़ाना था चूड़ी सिंदूर, सिंगार के सामान बिंदी जो भी होता है वो सारा मैंने ले लिया। यही मंदिर है, इस
क्योंकि सारे भगवान हैं। अब हम लोग मंदिर जा रहे हैं अंदर। मेरे हस्बैंड गए हैं जल लेने के लिए, तब तक मैं वीडियो बनाने लगी। मैं बोली मैं वीडियो बनाती हूँ, आप जाके जल लो। अब हम आ गए हैं मंदिर के अंदर। देख रहे हैं पीछे कितनी भीड़ है। बहुत मुश्किल से जगह मिला पूजा करने के लिए। अब सोमवार के दिन महादेव का दर्शन हो जाए यही बहुत बड़ी बात है। बहुत भीड़ है। आप सुबह सुबह आओ ना सोमवार को तो और ज़्यादा भीड़ मिलेगी, इसलिए मैं 9 बजे के बाद ही आई हूँ। 9 बजे के बाद जाऊँगी क्योंकि सवेरे सवेरे जब मैं छोड़ने गई थी बच्चों को स्कूल, तो उस टाइम मंदिर में बहुत भीड़ थी, इसलिए मैं बोली थोड़ा लेट ही चलती हूँ, जो आराम से पूजा कर लूँगी। ये महादेव जी के सवारी हैं नंदी बाबा, सब पूजा कर रहे हैं नंदी बाबा की। मैं पूजा कर ली।